तीर्थ गोस्वामी नाम गुरुभिमान शून्याय गुरुवाणी प्रचारिणे सुशांताय सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय ते नमः। जीवेशु कोटिमत्रिवत् सुस्निग्ध हृदयाय च सत्तीर्थ सख्य छत्राय प्रणतार्थ प्रदायिने तृणादपि सुनिचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिका पल्यदासी रूपिणे गुरुवे नमः। पापो अहं दीनहीनं च त्वं विना नागतिर्मम अहेतु किं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर दासं कुरु मे गुरुवर। सब लोग बोलेंगे चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापणम् श्रेयकैरव चंद्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुदिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मसनपनम् परं विजयते श्रीकृष्णा संकीर्तनम् सर्वात्मसनपनम् परं विजयते कीर्तनम् परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। चैतन्य महाप्रभु ने कृपा कर हम लोगों को 8 श्लोक अपने मुखारविंद से उच्चारित किए हैं। महाप्रभु लिखने को चाहते तो एक वेद लिख सकते थे, चाहते तो वेदांत लिख सकते थे, वेदांत का भाष्य लिख सकते थे। जैसे भगवान ने गीता में उपदेश दिया, उद्धव को उपदेश दिया और जगहों पे बहुत सारे उपदेश, ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, नारद जी को उपदेश दिया, वो उपदेश जो गीता में अर्जुन को, उद्धव को, ब्रह्मा जी को, नारद जी को, चतुर्सन को जो भगवान ने अपने विषय में बतलाया, उन सारे उपदेशों के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने जो सोचा कि ये लोगों को उपदेश देने का कोई फायदा नहीं, इनको आचरण करके बोलो, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि ऐसे कुर्सी दे दे। वहां बैठ जाइए,
कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे कि ये लोग सारी भटकने छोड़कर अपने मूल स्रोत में आ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाप्रभु ने जब भगवद गीता की व्याख्या की तो मुकुंद ने कहा कि इतनी सुंदर व्याख्या है, मेरी व्याख्या को कौन पूछेगा। उन्होंने भगवद गीता को गंगा जी में विसर्जन कर दिया, मुकुंद या गदाधर जो हो। इस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु ने उसके बाद किसी भी ग्रंथ की व्याख्या नहीं की, टीका नहीं की, केवल नामानंद में प्रवेश कर दिया। और उस नामानंद में प्रवेश करने के कारण महाप्रभु ने श्री राधा रानी के भाव में भावित होकर के जो उद्गार प्रकट किए वो भी स्वयं नहीं लिखे, रूप गोस्वामी ने, स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने, श्री राय रामानंद जी ने अपनी अपनी डायरी में जो बोला कि महाप्रभु के मुख से ये सुना। तो इसके बीच में महाप्रभु ने कोई उपदेश दिए ही नहीं क्या? सनातन शिक्षा में सनातन गोस्वामी से वार्तालाप है, सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे हैं, राय रामानंद संवाद है उसमें वार्तालाप है, परंतु जो संस्कृत में एक देवनागरी में जो भगवान महाप्रभु ने कहा वो 8 श्लोक ही अपने हृदय से प्रकट किए। तो ये 8 श्लोक वास्तविकता में सभी वेदों का सार, मैं तो कहूं 8 श्लोक नहीं, प्रथम श्लोक ही सारे वेदों का सार है। ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं? ये तो वेद बेकार हो गए, वो भी तो भगवान की वाणी है। नहीं, बेकार नहीं, भगवत वाणी है, पक्की बात। लेकिन हमें ये देखना होगा कि वेद क्या हमें प्रदान करते हैं। वेद हमें क्या प्रदान करते हैं? सबसे पहले वेद संसार की वस्तुओं को लेने देने की बात करते हैं, जिसके लिए भगवान ने गीता में कहा त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुन। ये 3 गुणों के अंतर्गत रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ब्रह्मांड की ही सारी बातों की बात हो रही है, यहीं के देवी देवताओं का चर्चा हो रही है, इससे ऊपर उठ जा। फिर बात आती, क्या वेदों में 3 गुण ही के बारे में बात है? निर्गुण की बात ही नहीं है? कहते निर्गुण की बात है। फिर निर्गुण की प्राप्ति अर्थात परमात्मा की प्राप्ति या ब्रह्म की प्राप्ति के लिए क्या उपाय बतलाए? कहते यहां पे जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि तक की बात कही गई है, वो यम नियम आसन प्राणायाम जो है वो सारे का सारा किसको कंट्रोल करने के लिए है? शरीर को और मन को, वाणी को। ज्यादा से ज्यादा धारणा में बुद्धि, ध्यान दीजिएगा, शरीर मन वाणी की इंद्रियां जो बाहर की और अंतर इंद्रियां, इनके अलावा ज्यादा से ज्यादा बुद्धि को कंट्रोल करने की बात वेदों ने स्पष्ट रूप से बोली है। अस्पष्ट रूप से जो कि छुपी हुई अवस्था में है वो भक्ति की बात है वेदों में। अच्छा, तो भक्ति की बात को तो बहुत ऋषियों ने औरों ने भी बोला है, सनातन सनत कुमार ने बोला, महाप्रभु ने बोल दिया, तो क्या विशेष बोल दिया? कहते जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने बोला उन लोगों ने समाधि तक की बात की है। ध्यान दीजिएगा कहां तक की बात की,
धी बुद्धि समा समान हो जाए, जहां बुद्धि समाविष्ट हो जाए, जहां बुद्धि सम हो जाए अर्थात बुद्धि समा जाए, वो है समाधि। यहां तक की बात की, लेकिन ऐसी समाधि को भी भंग होते बहुत बार देखा गया है। ऐसी भी महान महान ऋषियों की समाधि भी भंग होते देखा गया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने, अब ध्यान दीजिएगा, चैतन्य महाप्रभु ने सारे वेदों का सार मन बुद्धि को समाहित करने वाली स्थिति समाधि जो है, उस समाधि तक की बात को बोला है क्या? कहते नहीं, इससे भी आगे की बात को बोला। लो, ऐसे आगे की बात तुम लोग के बोलने से मानेंगे हम? गौड़ीय संप्रदाय तो किसी और को मानती नहीं है, अपने आप को ना जाने क्या समझते हैं भैया। नहीं, ऐसा मत बोलो, युक्ति की बात तो सुनोगे। किसी भी महापुरुष ने, मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैंने बहुत महापुरुषों का संग भी किया है, अन्य अन्य संप्रदायों के सिद्ध महापुरुषों का, गौड़ीय संप्रदाय की बात नहीं कर रहा, लेकिन जहां चित्त निरोध की बात कही गई है, अन्य संप्रदायों में चित्त निरोध की बात कही गई है, चित्त परिष्कार की बात नहीं कही गई। ध्यान दीजिएगा, मन को चित्त नहीं कहते हैं। कई लोग व्याख्या करते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम, नाम जो है वो मन को शुद्ध करता है, लेकिन वास्तविकता में मन का मन नाम मन को चित्त नहीं कहते। अंतर क्यों बतला रहा, वही बतलाऊंगा, ध्यान से श्रवण करना। कई लोग जो श्रवण कर रहे होंगे, जिन्होंने पहले इसकी व्याख्या नहीं सुनी है गुरुदेव के मुख से डायरेक्टली या अन्य महापुरुषों के मुख से, उन लोगों के लिए बिल्कुल नई बात होगी, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। मन जो है वो हमारी बुद्धि से नीचे की स्थिति वाला एक ऐसा प्रकोष्ठ है, एक ऐसा अंग है अंतर्मन का, अंतरात्मा का, जो जड़ और चेतन के बीच का एक अवस्था है मन। बुद्धि इससे ऊपर है, बुद्धि ऊपर का मतलब मन कई बार आपका चंचल होता है देख करके, किसी का रसगुल्ला या मिठाई, मान लो कोई व्यक्ति जा रहा, उसने देखा अरे बहुत सुंदर मिठाई है, कोई नहीं देख रहा, उठा के भाग जाऊं, साथ साथ बुद्धि कहती पकड़ा गया तो डंडे पड़ेंगे। तो मन है जो चंचल होता है, मन जो है संकल्प करता है, विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय करती। ये तरंगे हैं अपने भीतर, हमारे साथ में ये तरंगे हैं, मन की तरंगे चंचल चलायमान, बुद्धि की तरंग स्थिर करना। बुद्धि कैसे स्थिर करती है? वो चित्त के संस्कारों के अनुसार करती है। बोलो वृंदावन। जैसे चित्त के संस्कार होंगे वैसे बुद्धि निर्णय करेगी। हर किसी की बुद्धि निर्णय सही नहीं करती। क्यों नहीं करती भाई? बुद्धि तो बुद्धि होती, कहते उसमें विवेक नहीं होता है। बुद्धि के साथ विवेक की जरूरत है। विवेक क्या है? विवेक साधु संग सत्संग से प्राप्त वह ज्ञान है जो बुद्धि को भूतकाल जो पहले बीता उसको स्मरण कराए कि पहले ये किया था, पहले ऐसे किया था, इसमें सुख नहीं था, अब तू वही फिर दोबारा करने लगा है, उसमें सुख नहीं मिलेगा। बुद्धि भले ही कहे कि सुख है, विवेक उसके ऊपर की एक स्थिति है। हालांकि विवेक कोई अलग अंग नहीं है, विवेक एक सद ज्ञान है। विवेक यूं समझे भगवान के द्वारा प्रदत्त भगवान का ज्ञान है, यूं समझे, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा ददामि बुद्धि योगम तमयेन माम उप्यांतिते। भगवान बुद्धि के साथ योग देते हैं, वो जो योग है वो विवेक है। बोलो वृंदावन। ये जो विवेक है, ये विवेक ही आप
का, चित्त शुद्ध करने का सबसे पहला अस्त्र है। इस विवेक रूपी झाड़ू से चित्त रूपी दर्पण मार्जित होगा जहां उसका परिष्कार होगा। अब इस विवेक को जगाना, बताइए किस महापुरुष ने या किस वेद की ऋचा में या किस वेदांत सूत्र में बोला है? इस विवेक को जगाने की बात तो सही है, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, ठीक। लेकिन विवेक के द्वारा चित्त को परिष्कार करने की बात कहां गई? वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो विवेक वास्तविकता में वही है जहां पर विशेष रूप से एक आश्रय हो, विशेष रूप से एक आश्रय। तो वह विशेष रूप से एक आश्रय नामाश्रय करी, तो वह नामाश्रय से चित्त रूपी दर्पण साफ होता। आप जान दी ध्यान दीजिए, चित्त क्या है? चित्त किसे कहते हैं? ये चित्त तो आपका शरीर छूटने के बाद भी रहता है, यहां तक कि मन बुद्धि के पवित्र और अपवित्र अवस्था होने के बाद भी रहता है। और ये चित्त है क्या? परम गुरुदेव कहते हैं वेद की ऋचा के द्वारा, चित्त जो है संस्कार का स्टोर है, संस्कारों को रखने वाला एक घर है, संस्कारालय कह दीजिए। कौन से संस्कार? इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा किए गए, मन बुद्धि अहंकार के द्वारा किए गए संस्कार जो हैं, शरीर मन और वाणी के द्वारा किए गए जो कर्म हैं, उनके जो इंप्रेशंस हैं, संस्कार हैं, वो चित्त में रहते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपका कोई भी वहां पे लेखा जोखा नहीं है। जो कहते ना लेखा जोखा सब प्रभु के हाथ, सुना है ना, चित्रगुप्त लिख के रखा हुआ? कुछ नहीं लिख के रखा चित्रगुप्त ने, ये सारा चित्त के अंदर बैठा हुआ है। ये चित्त यूं समझ लीजिए आपके साथ, आपके पास में मेमोरी चिप है जो कि आपके मोबाइल के अंदर है, समझने के लिए। तो ये आत्मा के साथ चिपटी हुई एक चिप है जो कि चित्त का, चित्त मतलब चेतन, चित्त का प्रथम विकार, आत्मा का प्रथम विकार जहां पे होता है, मतलब चैतन्य सत्ता। चैतन्य सत्ता का मतलब ज्ञानमयी सत्ता का अज्ञानता का आवरण जहां पे, छाया जहां पे पड़े, पहली छाया पड़ती है वह है चित्त। माला करोगे ना फिर कुछ नहीं समझ आना। ध्यान ना सुनो, हमारी आत्मा के अंदर क्या क्या होता है, आत्मा का चेतन सत्ता के क्या, कौन सी तीन क्वालिटीज हैं जिससे पता लगता है ये चेतन है? बोलो तुम, इच्छा, क्रिया और अनुभूति। इसको जिसके अंदर है उसे चेतन कहते हैं। तो इच्छा क्रिया अनुभूति जड़ तत्व में तो होती नहीं। इच्छा होती है जहां पे ज्ञान है, ध्यान देना। इच्छा कहां होगी? अज्ञानता में इच्छा होगी। ज्ञान होगा तब क्या होगी? एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। ज्ञान है तो क्या हुआ? क्रिया कैसे होगी? शरीर होगा, सत होगा तो क्रिया होगी। अनुभूति क्या होगी? आनंद होगा तो अनुभूति, सच्चिद आनंद। ये सच्चिद आनंद की तीन क्रियाएं हैं, समझे नहीं? चिद क्या है? इच्छा। सत मतलब स्वरूप है, इसलिए क्रिया। अगर स्वरूप ना होता आत्मा का, अगर स्वरूप ना होता तो उसकी आनंद की अनुभूति ना होती और आनंद की इच्छा ना होती। उसका स्वरूप है। अह बेफालतू की बातों को करते तुम लोग, आत्मा का रूप किसने देखा? आत्मा का रूप किसने देखा? मेरे को एक मेरे गुरु भाई ने बोला, कहते महाराज जी कुछ भी है डिफाइन नहीं कर सकते, शरीर ना हो
मन बुद्धि ना हो तो आत्मा कोई चीज होती है डिफाइन नहीं कर सकते। आइडेंटिटी तो ये बॉडी ही है, उसने बोला, और वो हम अच्छा तार्किक है। तो मैंने उसको बोला देखो आइडेंटिटी बॉडी नहीं है, आइडेंटिटी आत्मा है। हम दुर्भाग्य हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी इस फिजिकल अपेरियंस की फोटो को लेकर के देते हैं। वास्तविकता में आत्मा ही केवल मात्र आत्मा ही ऐसी है जिसकी आइडेंटिटी है, जिसकी पहचान है, जिसका अस्तित्व है, जो सत है। सत होने से ही उसकी आइडेंटिटी है, इसलिए उसे सत कहते हैं। ज्ञानमय तत्व है, चिद है, इसलिए उसे चिद कहते हैं। सच्चिद आनंद, ध्यान दीजिएगा, वापिस आ रहा हूं उसी विषय पे कि जो चित ज्ञान है ना, वो ज्ञान जहां पर एक माया के आवरण को स्वीकार करता है, वो प्रथम संस्कार पड़ता है उसका, उसे कहते हैं चित्त। चित्त त चित्त, और वो है चिद, ची द, चिद मतलब ज्ञान, चित्त त चित्त मतलब संस्कारों का पिटारा। जब तक ये साफ नहीं होगा तब तक आत्मा जो है वो दिखाई नहीं देगी, तब तक नाम का स्वरूप प्रकाशित नहीं होगा, तब तक मैं कौन हूं ये स्वरूप प्रकाशित नहीं होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, वेदों का सार है, चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि इसकी सबसे पहले जो संस्कार इसका बना, क्या संस्कार बना, मैं अंधकार को प्रकाशमान करूंगा, मैं चेत स्वयं प्रकाशमान हूं और अंधकार में देखा मैं इसे प्रकाशमान करूं। वो जो अहम भाव आया, वो अहम भाव जहां संस्कारित हुआ है उसी को साफ कर दो। महाप्रभु ने उस तत्व को छेड़ा है जो कि आज तक के किसी भी महापुरुष ने इतने स्पष्ट रूप से नहीं छेड़ा। उन्होंने समाधि, बुद्धि समान हो गई, बुद्धि समा गई, अहंकार मन नहीं रहा, शरीर नहीं रहा, वही वास्तविकता में ब्रह्म स्थिति, ठीक वो ब्रह्म स्थिति है। और बिना वहां पहुंचे आपके चित्त का सफाई भी नहीं हो सकती। लो जी कहानी फिर वहीं की वहीं आ गई। महाप्रभु कहते नहीं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, आप संकीर्तन को सम्यक रूप से ऐसा कीजिए कि वह जो सामने वाला जो चित्त है सीधा उसके ऊपर क्रिया हो। तो महाप्रभु ने चित्त के ऊपर क्रिया होगी नाम की, ऐसे कैसे हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आत्मा का जो निर्माण हुआ है, आत्मा जो बनी है वो बनी ही साउंड से है। बोले वृंदावन, आत्मा बनी ही शब्द ब्रह्म से है, साउंड से। कैसे बोल रहे हैं आप, नाद बिंदु उपनिषद उठाइए, वर्णित है नादात शब्दात अनावृति शब्दात, जितना भी जो दिखाई दे रहा है वो शब्द से ही आवृत और शब्द से अनावृत हो सकता है। जो कुछ है वो शब्द के द्वारा ही ढका है, शब्द के द्वारा ही निर्मित है, शब्द से ही उसको अनावृत कर सकते हैं, किसी अपने स्वरूप को, परमात्मा के रूप को अनावृत कर सकते हैं। ढका किससे है, मन बुद्धि अहंकार से। तो इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा ये करते रहेंगे तो इन लोगों का कल्याण कैसे होगा। उन्होंने कहा कि निष्कपट होकर के आप भगवान का नाम कीजिए, अंतःकरण से बुलाइए, हे कृष्ण हे नाथ मैं आपका हूं। गुरुदेव कहते एक बार हृदय से बोलो हे कृष्ण मैं आपका हूं, उसी वक्त भगवान आ जाएंगे। ये कहने का कितनी बड़ी बात है, जो गुरु जी झूठ तो बोल नहीं रहे कि उसी वक्त आ जाएंगे। हम यहां तक पहुंचे नहीं है, यहां ही है, यहीं पे है। हमारे जो शब्द सुनते ना यहां पे रह जाते, अंदर नहीं उतरते, और यहीं से फिर हम कहानियां बना बना के बोलते रहते हैं। जैसे वो अंतःकरण में जाएंगे तो हालत बेहाल हो जाएगी।
तो ऐसा नहीं है कि किसी का हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि मानो मैंने संन्यास ले रखा है, मैं बहुत सालों से लगा हुआ हूं, मेरा हुआ नहीं और कल की उस बच्ची का हो गया, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता, किसी का भी हो सकता। अंतकरण से पुकारना पड़ेगा। अंतकरण से कैसे पुकारेंगे? आर्त भाव से। आर्त भाव क्या होता है? कम से कम इस अवस्था में बैठिए कि मैं आज शरीर छोड़ना चाहता हूं। कम से कम इस अवस्था में बैठिए, आज मुझे ये शरीर जो है नहीं चाहिए। तो जब आप इस अवस्था में बैठेंगे, शरीर में होने वाले दर्द, शरीर में होने वाले विकार आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में जब हरिनाम होगा, तर्म परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, क्योंकि शब्द से ही निर्माण हुआ है आत्मा का, तो शब्द से ही अनावृत होगी आत्मा, जो ढकी हुई है वो अनावृत होगी। तो इसलिए महाप्रभु ने शब्द भी कौन सा दिया? इस संसार का कुछ नहीं दिया, उन्होंने दिया हरे कृष्ण। हरे कृष्ण का मतलब अनंत ब्रह्मांडों के, अनंत शक्तियों के भाव को, कुभाव को हरण करने वाली जो समर्थ है, हरण करने वाली जो शक्ति है वो हरे, और आकर्षण करके आनंद प्रदान करने वाली जो शक्ति हो कृष्ण। महाप्रभु ने उस हरे कृष्ण जो कि करोड़ों सैकड़ों सैकड़ों हजारों वर्षों बाद जो हरे शब्द ऋषियों ने सुना था, किसने सुना था पहले? ब्रह्मा जी ने। हरे शब्द हजारों साल लग गए उनको समझने में, क्या बात करते, हम तो फटाफट बोल रहे हरे 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 हरे, हमारी समझ में ना आ रहे। जिस दिन हरे शब्द समझ में आ गए उस दिन निकलेगा नहीं, क्योंकि हमारे यहां का जो समय है और जो ब्रह्मा जी के जगत का समय है उसमें बड़ा अंतर है। जब वो समाधि में बैठे तो जो शब्द पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, उस ब्रह्मांड का मतलब उस इस जगत वाला ब्रह्मांड नहीं, उस जगत का जो जो ब्रह्म का जो स्वरूप है, जो ब्रह्म में फैले हुए थे, उन शब्दों का जब ध्यान किया तब उन्हें प्रणव सुनाई दिया। अब इसको किसी ने समझा ओम, मैंने बोला समझ नहीं आ, लग गया ए, हमारा दिमाग नहीं लगता इतने शब्दों को समझने में। महाप्रभु ने कहा ये है, ये है, ये हरे उतरने में कितना समय लगा, ओम को समझने में कितना समय, प्रणव जो है वो बीज है उसको समझने में कितना समय लगा। गुरुजी एक बार बोलते हैं, प्रणव भाष्य गायत्री, गायत्री भाष्य महामंत्र। कहते प्रणव का जो भाष्य है, जो प्रणव है, ओम है, उसका विस्तार गायत्री है, और गायत्री का वास्तविकता में जो विस्तार है वो महामंत्र है। तो महामंत्र जो है वह प्रकट होने में कितना समय लगा होगा कि ब्रह्मा जी को पहले ओम प्राप्त हुआ, फिर उसके बाद ब्रह्म गायत्री प्राप्त हुई, फिर कितना समय लगा होगा कि भगवान के धाम से जो नाम ट्रेवल करते हुए आया, ऋषियों के कानों में आया, ब्रह्मा जी के कानों में आया, कितना समय लगा होगा कि वह हमारे पास उतरा। और महाप्रभु जी ने इतनी सरलता से कह दिया हरे कृष्ण बोलो भाई, हरे कृष्ण कृष्ण बोलो संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए। बड़ी आसानी से कह दे, और हम भी बड़े आसानी से बोल लें, लेकिन जिस दिन इस भाव में बैठेंगे कि ये शरीर से मुझे नहीं, मेरे को वह हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ चाहिए जो महाप्रभु ने प्रकाशित किया, तब आप देखिएगा एक अलग भाव होगा। इसलिए यहाँ कहते हैं सबसे पहले
इस श्लोक प्रथम श्लोक को जो कि मैं कह रहा हूँ सभी वेदों का सार है, सभी मंत्रों का सार है, इसलिए कहा क्योंकि इसमें सबसे श्रेष्ठ उन्होंने बतला दिया क्या उपाय, किसका उपाय, मन मन शुद्धि उद्धि का नहीं, सीधा चित्त, चित्त परिष्कार होने से, संस्कार साफ होने से अभी आप सही चल रहे हो, अभी तिलक लगा रहे, कंठी पहन रहे, संध्या वंदन कर रहे, हरि नाम कर रहे, इस वक्त सही चल रहे हो, बाकी जो पीछे का समय था वो सारे संस्कार जो है वो चित्त में बैठे हुए हैं, कठोर रूप से कोई कोई है बड़े वज्र समान, कोई कोई काष्ट स्वरूप से है, कोई कोई मट्टी का लेप है, कोई कोई कीचड़ की तरह है, ये कौन से संस्कार हैं, कैसे संस्कार हैं, इनको हम समझेंगे, समय मिलेगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। आज इस बात को हम चिंतन करें कि ये प्रथम श्लोक जो है वो वेदों का सार है। बहुत सी बातें आती हैं, मैं उसको स्किप कर जाता हूँ, साइड में निकाल देता हूँ, क्योंकि ये वहीं का वहीं रह जाएगा, इसलिए मैं इधर उधर ना भाग के मूल बात पे रहना चाहता हूँ। वेदों का सार है, इस वेदों के सार को बतलाने के लिए मैंने आपके जो 30-40 मिनट ली कि वेदों का सार है, ऐसे ही बात नहीं गौड़ीय संप्रदाय बोलती है। गौड़ीय संप्रदाय बोलने का मतलब है चित्त तक की बात आप लोगों ने की है, अगर चित्त के संस्कारों को खत्म करके चित्त में आत्मा का स्वरूप प्रकट करते हुए, परमात्मा के नाम का वैभव प्रकट करते हुए, परमात्मा की लीला को प्रकट कराने वाला जो आत्मा के भीतर परमात्मा का स्वरूप दर्शन कराने वाला जो पद्धति है, सिस्टम है, वो है चैतन्य महाप्रभु के दिए द्वारा दिया गया ये श्लोक। इस श्लोक में 7 उपलब्धियां हैं। क्या हैं उपलब्धियां? 7 प्रकार की सिद्धियां हैं। 7 उपलब्धियां क्या हैं? सबसे पहले चित्त का मार्जन होना, चित्त साफ हुआ तो द्वंद खत्म हो जाएंगे, जितनी भी तरह के द्वंद हैं, मेरा तेरा, इसका उसका, वैसा तैसा, उसने बोला इसने बोला, बहू नहीं बेटी नहीं, सारे द्वंद खत्म हो जाएंगे। जैसे ही द्वंद खत्म हुए तो कोई जलन रही नहीं, दो के घिसने से तो आग लगेगी, दावा अग्नि, जलन नहीं रहेगी तो श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, जैसे ही अग्नि शांत होगी भगवान की करुणामयी कृपामयी नामामृत के वर्षा के द्वारा, तो चंद्र भगवान की जो करुणा है कृपा है उसके चंद्र का विस्तार होगा। चंद्र विस्तार मतलब भगवान के नाम के रूप का प्रकाश होगा, नाम के रूप का प्रकाश होगा, किसका, नाम के रूप का प्रकाश होने के साथ साथ उससे संबंध बन जाएगा। जैसे भगवान के स्वरूप का प्राकट्य होने से कैसे होता है, आकर्षण होता है ना, कोई बड़ी सुंदर वस्तु आपने देखी तो आपका चित्त आकर्षित होता, अरे वाह ये बैग होना चाहिए अपने पास, जिसके जिसमें रुचि, किसी की बैग में तो किसी की बैग लेने वाली में, तो किसी भी तरीके से किसी में भी आकर्षण जिसका होता है, जैसे उसको देख के आकर्षण होता है, चाहत होती है, ऐसे ही जैसे ही ये करुणा किरणें भगवान की मंगलमय किरणें भक्ति रूपी कमल में विकसित होती हैं, साथ साथ वहां पे भाव का उदय होता है, और वो भाव क्या होता है कि मेरे स्वामी मेरे पति, वो कौन है, विद्यावधु जीवनम, कौन है, नाम ही मेरे स्वामी है, नाम ही मेरे प्रभु हैं, नाम ही मेरा जीवन है, नाम ही मेरा धन है, इस प्रकार से वो जागृत होता है। जब ऐसा होता है तब एक मिलन होता है, जब प्रेम होता है उसके बाद क्या होता है, मिलन। जैसे ही मिलन होता है तो आनंद की लहरें उठने लगती हैं। मेरे को याद है कि गुरु महाराज जी को जो प्रथम बार छुआ था ना, अद्भुत हुआ था, बच्चा था तब बात अलग थी, लेकिन मठ में आने के बाद जो प्रथम बार छुआ, मेरे सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और अंदर से ऐसे कपकपी सी हो, वो एक प्रेम से जब आप अपने प्रियतम को मिलते हो, ये होता है, इसको बोलते आनंदम अम्बुधिवर्धनम, जो आनंद का सागर है
उसका वर्धन होता है। संसार में भी ऐसे होता है, जब कोई बिछड़ा हुआ बड़े दिनों बाद मिले तो उसको मिलकर के रोना भी होता है, गले लगना भी होता है, कांपना भी होता है ना। हमारे एक सन्यासी 12 साल तक उनके माँ बाप को पता ही नहीं लगा कि है भी है कि नहीं है। जब सन्यास हुआ उनका, सन्यास हुआ तो तुरंत मैंने उनको बोला आप अब भी इसी वक्त अपने घर में फोन करें। कहते फोन है ही नहीं भाई, चिट्ठी करो, चिट्ठी लिखो। कहते चिट्ठी में वो है कि नहीं वहां पता नहीं, फिर चिट्ठी दी गई। कल्पना कीजिए वो चिट्ठी जब उनके मामा जी के पास पहुंची होगी, जहां कोई रिश्तेदार के पास पहुंची होगी, उसमें जो लिखा होगा उसको पढ़ के उनकी हालत क्या हुई होगी। एक प्रियजन के बहुत सालों के बाद पता लगने की भी वो जीवित है, उन मां बाप का क्या हाल हुआ होगा। इसी प्रकार से अनंत बार हमने श्रवण कर लिया कि गोविंद हैं, गोविंद हैं, गोविंद हैं, लेकिन गोविंद से अभी कोई संपर्क नहीं हुआ, उनके नाम से संपर्क नहीं हुआ। जैसे ही नाम से संपर्क होगा, विद्यावधु जीवनम, विद्यावधु का जीवन स्वरूप प्रकट हो जाएगा। आत्मा का विद्या कौन है? अज्ञानता नहीं है, विद्या है आत्मा। चित स्वरूपम, आत्मचित स्वरूपम, उसका जीवन स्वरूप कौन है? भक्ति का जीवन स्वरूप कौन है? भगवान। भक्ति का प्रादुर्भाव होगा जो आत्मा में, वह भक्ति का जीवन स्वरूप भगवान के नाम से उसके बाद जब मिलन होगा। कल्पना करके देखो, अभी तक नाम से मिलन नहीं हुआ था, अब भगवान के नाम से वो जिह्वा स्पर्श करेगी तो आनंद की लहरें उठने लगेंगी। कहते कैसी लहरें उठेंगी? कहते बड़ी ऊंची ऊंची। कहते ऊंची ऊंची नहीं, नीची नीची भी, केवल ऊपर ऊपर वाली नहीं, नीची नीची वाली भी, उसमें भी आनंद होगा। प्रति पदम पूर्णामृत स्वादनम, आनंद की लहरें होंगी लेकिन ऊपर वाली ही आनंद वाली होंगी, ऐसी नहीं, विरह वाली भी दिव्य आनंद प्रदान करेंगी। प्रति पदम मिलन का, विरह का, पद पद दोनों में आनंद ही आनंद होगा। कैसा होगा? अमृत स्वादनम। और कहते हैं सर्वात्म सनपनम, आत्मा सर्व पूर्ण रूप से, सनपनम मतलब था स्नान, स्नान को सनपनम कहते हैं, साभोर हो जाती, डूब जाती, मतलब रगी पगी सगी हो जाती है, उसी के जैसे हो जाती है। तो कहते हैं ये है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, केवल मात्र संकीर्तन करने से ये हमें सप्त सिद्धि क्या होगी, प्राप्त होगी। ये समय ऐसा होता है जिस समय बहुत लोगों को नींद आती है, क्योंकि सवेरे 3:30 बजे, 4:15 बजे उठे हुए लोग, इस समय निद्रा में थोड़ा सा झोंका लगता है, लेकिन ये समय में जिसको निद्रा आ गई समझ लो उसकी समाधि लग गई। लेकिन अगर समाधि में फंस गए तो चित्त रूपी दर्पण वैसे का वैसे रह जाएगा। हम समाधि से ऊपर की बात कर रहे हैं, महाप्रभु जी समाधि से ऊपर, बोलो समाधि संस्कारों से ऊपर की बात कर रहे हैं, संस्कारों को साफ करने की बात कर रहे हैं। इसलिए थोड़ी समाधि जब लगे तो थोड़ा सा सावधान हो जाए। वंशा कृपा तृतीयाम साधन क्यों भाग रहा है? आप करेंगे महाराज जी?